हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांत सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है हमारा प्लेट टेक्नोटोनिक्स। पिछली वीडियोस में हमने किस किस चीजों के बारे में पढ़ा, हमने कुछ थ्योरीज के बारे में पढ़ा, हमने जाना कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में, पोस्ट ड्रिफ्ट थ्योरी आई उसके बाद फिर हमने सी स्प्रेडिंग थ्योरी के बारे में पढ़ा। हर एक साइंटिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरीज दी और किस तरीके से उसने बताया। जैसे कि हमने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में क्या पढ़ा था, दो थ्योरीज बताई थी जिससे सारे कॉन्टिनेंट्स अलग होते हैं। उसके बाद हमने पोस्ट ड्रिफ्ट थ्योरीज में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि किस तरीके से डायवर्जन देखने को मिलता है कॉन्टिनेंट्स में। और उसके बाद हमने सी स्प्रेडिंग के सी किस तरीके से स्प्रेड होते जा रही, मतलब पोस्ट ड्रिफ्ट में हमने पढ़ा था कन्वेंशनल करंट थ्योरी के बारे में, उसके बाद हमने सी स्प्रेडिंग में हमने समुद्र कैसे फैल रहा है। तो थ्योरीज के बाद थ्योरीज आती गई, उसके बाद फिर आने वाले और आगे समय में कुछ साइंटिस्ट ने थ्योरी निकल कर आई जिसका नाम था प्लेट टेक्नोटोनिक्स। अब ये प्लेट टेक्नोटोनिक्स थ्योरी क्या है, देखिए हमारा जो पूरा का पूरा वर्ल्ड है यानी कि जो हमारा मैप है, अगर आप देखेंगे मैंने यहां पे भी बनाया हुआ है, तो ये सारा का सारा क्या था, मतलब जैसे ये पोस्ट ड्रिफ्ट थ्योरीज थी, इसमें क्या बोला गया था कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो अलग अलग बट गए हैं, मतलब ड्रिफ्ट हो गए हैं। लेकिन यहाँ पे कॉन्टिनेंट्स की बात नहीं हो गई, यहाँ पे क्या है कि अर्थ पूरा एक लिथोस्फेरिक स्लैब पे बटा हुआ है, यानी कि मतलब ये कॉन्टिनेंट है, ये ओशन है और उस पूरे उसके अंदर एक पूरी स्लैब है, वो स्लैब अलग अलग बटी हुई है। तो जो पूरा वर्ल्ड की जो अर्थ है, हमारी लैंड है, वो 7 से 8 मेजर कुछ प्लेट्स है, ये जो लाल 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 आपको दिख रहे हैं उन प्लेट्स में बटी हुई है। जैसे मैं बात करूं ये साउथ अफ्रीका, ये अफ्रीका की हो गई, तो अफ्रीकन प्लेट एक अलग है हुई, तो इसमें कॉन्टिनेंट भी आ रहा है और कुछ समुंदर का इलाका भी आ रहा है, ठीक है। उसके अलावा फिर एक ये प्लेट हो गई, फिर पैसिफिक प्लेट आपको यहां देखने को मिलेगी, एक बड़ी सी पैसिफिक प्लेट, ठीक है, ये यूरेशियन प्लेट हो गई। तो अभी आगे मैं सारा चीजें क्लियर करूंगा, तो ये किस तरीके से कैसे कैसे था। तो देखिए पहले बुक से हम शुरुआत करते हैं जो लिखा हुआ है, तो 1967 की बात है, मैकेंजी पार्कर और मॉर्गन, ये कुछ लोग थे जिन्होंने मिलकर ये थ्योरी लेकर आए। थ्योरी का नाम था प्लेट टेक्नोटोनिक्स। तो इस थ्योरी में क्या कहा गया, इसमें कहा गया इट इज अ लिथोस्फेरिक प्लेट, इट इज अ मैसिव इररेगुलरिटी शेप्ड स्लैब ऑफ सॉलिड रॉक जनरली कंपोज ऑफ बोथ कॉन्टिनेंट एंड ओशनिक लिथोस्फेयर। तो जो लिथोस्फेरिक प्लेट है वो कॉन्टिनेंट, इसमें बोला ना बोथ कॉन्टिनेंटल एंड ओशनिक दोनों से मिलके कुछ प्लेट्स बनी हुई है और उन प्लेट्स पे मूव कर रहे हैं। तो मैंने कई बार ये चीज बताई है ना कि जैसे हमारी जो प्लेट टेक्नोटोनिक्स होती है, छोटी क्लासों में इसके बारे में ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दिया हुआ है ज्योग्राफी में, कि जो प्लेट टेक्नोटोनिक्स है यानी कि जो हमारी स्लैब है यानी कि हमारी जो पूरी अर्थ है वो कितनी उसमें बटी हुई है, क्रस्ट मेंटल कोर, तो जो क्रस्ट पार्ट होता है और कुछ मेंटल का अपर सॉलिड पार्ट होता है एस्थिनोस्फेयर तक, वो जो स्लैब होता है वो हमारा पूरा क्या होता है लिथोस्फेयर, इंटीरियर ऑफ अर्थ में मैंने बताया था आपको, तो वो क्या होता है हमारी लिथोस्फेरिक स्लैब होती है। वो लिथोस्फेरिक स्लैब जो होती है वो किस पे फ्लोट कर रही है, वो कर रही है हमारे मैग्मा पे। तो ये वही लिथोस्फेरिक स्लैब्स होती हैं जो अलग अलग मूव कर रही है। तो इन साइंटिस्ट ने ये कहा कि नहीं, कॉन्टिनेंट और ओशन मूव नहीं कर रहे हैं, पूरी की पूरी स्लैब है वो डाइवर्ज हो जाती है, ड्रिफ्ट हो जाती है इस तरीके से, या तो टकराती है या फिर से पीछे हो जाती है। तो इस तरीके से पूरा जो मूवमेंट है और जो पूरा का पूरा हमारा वर्ल्ड का जो ये लैंड है इस तरीके से अलग अलग होता जा रहा है, पेंजिया वाली जो थ्योरी आई थी। उसके बाद उस वो बोलता है प्लेट्स मूव हॉरिजॉन्टली, तो जैसे अभी मैंने आपको बताया ना कि प्लेट मूव्स हॉरिजॉन्टली एस्थिनोस्फेयर लिथोस्फेयर क्रस्ट और अपर मेंटल के बारे में जो मैंने बात करी, तो वही था कि जो प्लेट्स है वो ऐसे हॉरिजॉन्टली मूव कर रही हैं, इस तरीके से टकरा रही हैं। जैसे वो मैग्मा है, मैग्मा तो खोल रहा है तो उसके ऊपर जो स्लैब घूम रही है तो पूरा आगे पीछे घूमेगी ना। तो मैं थोड़ा सा एक बार इसको क्लियर कर देता हूं। जैसे ये देखिए, मान लीजिए ये हमारा लैंड एरिया है, ये नीचे ओशन आ गया है और ये पूरा हमारा क्या है क्रस्ट है और नीचे इसके मैग्मा है। तो या तो हमारी क्या कहते हैं जो हमारा कॉन्टिनेंट वाला लैंड हो गया या हमारा ओशन वाला लैंड हो गया नीचे का, तो ये चौड़ा हो गया, ये कम होता है। तो जिस इसमें मैंने बताया ना आपको कि ओशनिक प्लेट जो है वो 5 से 10 किलोमीटर तक की है और जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है वो 200 किलोमीटर की है। उसके बाद क्या है, उसके बाद फिर पूरा हमारा मैग्मा शुरू हो जाता है। तो ये जो प्लेट है हमारी, जो यही हमारी लिथोस्फेरिक प्लेट है जिसको हम बात कर रहे हैं और ये कंसिस्टेंटली लावा पे मूव कर रही है। तो ये पूरी की पूरी प्लेट है जिसमें कॉन्टिनेंट भी आते हैं और हमारे ओशियंस भी आते हैं। जैसे पिछली वीडियोस में हमने क्या पढ़ा था कि कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट कर रहे हैं तो समुंदर है, तो पानी हटके वो एक तरफ चला गया तो वहां समुंदर बन गया। लेकिन यहां क्या है कि ये पूरा लैंड कंबाइंड है, उसी के ऊपर पानी है और यही चीज पूरी मूव करती रहती है इधर से उधर, समुद्र और कॉन्टिनेंट अलग नहीं है। तो वही चीज है। तो जैसे कि बात करूं पैसिफिक प्लेट, तो पैसिफिक प्लेट हम किसको कहेंगे, ये वाली जो हमारा पैसिफिक, हमारा पूरा समुद्र वाली प्लेट होगी।
यूरेशियन प्लेट यानी इसको हम कॉन्टिनेंटल प्लेट करते हैं, इनकी पैसिफिक प्लेट पूरी समुद्र में आ गई तो इसलिए हम इसको ओशनिक प्लेट बोलेंगे और यूरेशियन प्लेट को हम कॉन्टिनेंटल प्लेट बोलेंगे क्योंकि यूरेशियन प्लेट ये वाली इसके अंदर पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट आ गया, बस थोड़ा बहुत समुद्र है बाकी तो कॉन्टिनेंट आ गया, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं कॉन्टिनेंटल प्लेट बोलते हैं। उसके बाद लिथोस्फेरिक प्लेट डिवाइडेड इंटू 7 मेजर एंड माइनर प्लेट्स, तो ये पूरा का पूरा बड़ी बड़ी जो प्लेट्स दिख रही है 7 मेजर प्लेट्स हैं और कुछ छोटी छोटी प्लेट्स दिख रही हैं। अब इसकी जो डिटेल है वो आपको बुक में डिटेल में दी हुई है, तो मैंने वो जगह ना होने की वजह से ज्यादा लिखी भी नहीं है और वो फैक्चुअल डिटेल है, तो वो आप उसको पढ़ लोगे ना तो आप उसको समझ लोगे। मैं थोड़ा सा एक तो इसमें बता देता हूं आपको, जैसे बुक में आपको ये देखिए जो डिटेल दी हुई है ना, ये मेजर प्लेट्स की और ये जो छोटी वाली प्लेट्स है, जैसे कोको प्लेट्स है यहाँ पे देखने को मिलेगी, ये नजाका प्लेट है, तो बस यही इसके बारे में डिटेल दी हुई है बुक में कि ये बड़ी बड़ी प्लेट्स हो गई हमारी सारी जितने मैंने रेड से हाईलाइट की हुई है और ये छोटी छोटी प्लेट्स है ये वाली, जैसे ये हो गई, ये एक हमारी प्लेट हो गई कोको प्लेट, ये नजाका प्लेट हो गई तो इस तरीके से, और एक ये वाली प्लेट हो गई छोटी वाली प्लेट, तो इस तरीके से ऐसे हमारा पूरा ये नक्शा जो है हमारा इस तरीके से इसमें प्लेट्स में बटा हुआ है ओशनिक और कॉन्टिनेंटल प्लेट्स में। उसके बाद तो वही चीज ये थी सारी, और उसके बाद अंत में फिर जो थ्योरी निकल कर आती है द प्लेट्स हैव बीन कॉन्स्टेंटली मूविंग ओवर द ग्लोब, तो ये सालों से कई सारे करोड़ों सालों से ये सारी प्लेट्स ऐसी मूव होती जा रही है और फिर हमारा अर्थ का स्ट्रक्चर इस तरीके से बदल रहा है। तो आपके बुक में ये दिया हुआ है, ये जो डायग्राम दिया हुआ है ना ये किस तरीके से, ये वाला डायग्राम ये जो दिया हुआ है ग्लोब्स अलग अलग की, यानी कि 540 मिलियन साल पहले कैसी थी, फिर 420 मिलियन डेट वाइज और पेंजिया 120 मिलियन पहले पेंजिया बना और आज की प्रेजेंट डेट में हमारा ऐसा नक्शा बन गया है पूरा, ये बुक में दिया हुआ है आपका सारा। ठीक है दोस्तों, तो ये था जो टॉपिक जिसमें मैंने आपको बताया प्लेट टेक्नोटोनिक्स के बारे में और ये सारी डिटेल आपको दी आज जिसमें सारी चीजें क्लियर है, तो आई होप अब आपको चीजें सारी क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी और यही था मेरा आज का टॉपिक प्लेट टेक्नोटोनिक्स के बारे में। तो अब यहां तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि अर्थ का जो स्ट्रक्चर है वो जिस तरीके से प्लेट्स हमारी मूव कर रही है। तो यही था मेरा आज का टॉपिक, और अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और आने वाले समय में आपको और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।